नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। वीडियो में बात करने वाले हैं हम पेपर बॉय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही पेपर बॉय जो सुबह सुबह आपके यहाँ अखबार छोड़ जाता है, वो अब रितेश पांडे के रूप में नज़र आने वाला है नई भोजपुरी फिल्म पेपर बॉय में, जिसमें हमें रितेश पांडे के साथ साथ चांदनी सिंह भी नज़र आने वाली हैं। इस भोजपुरी फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो रिलीज़ किया जा चुका है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। और ट्रेलर को देखने के बाद इस भोजपुरी फिल्म की कहानी क्या समझ में आती है, कहानी में है कितना दम, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया है तो फटाफट बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस भोजपुरी फिल्म की जो कहानी है वो मुख्य रूप से रितेश पांडे और चांदनी सिंह के किरदार के ऊपर फोकस करके दिखाया गया है इस भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर में। किस तरीके से पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रितेश पांडे को जब अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही होती है तो वो पेपर बॉय की नौकरी करना शुरू कर देता है, और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है चांदनी सिंह के किरदार से। कुछ बातें होती है दोनों के बीच में और मालूम चलता है कि रितेश पांडे और चांदनी सिंह के बीच में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं और दोनों को एक दूसरे से हो जाता है लव। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि चांदनी सिंह का जो भाई होते हैं, जिसका किरदार निभा रहे हैं संजय पांडे, वो इस भोजपुरी फिल्म में एक तरीके से विलन का किरदार निभाते हैं, जहां पर जब उन्हें मालूम चलता है कि रितेश पांडे और चांदनी सिंह के किरदार एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो वो रितेश पांडे के किरदार का एक्सीडेंट शायद करवा देते हैं, जिसके बाद रितेश पांडे का जो किरदार है वो कोमा में चला जाता है। और इन सभी बातों से अनजान चांदनी सिंह का जो किरदार है उसके बड़े भैया एक और गेम खेल देते हैं, यानी कि संजय पांडे का जो किरदार है वो चांदनी सिंह यानी कि अपनी बहन से ये बोल देता है कि उधारी लेकर गांव छोड़कर भाग गया है रितेश पांडे का किरदार, जो सुनकर चांदनी सिंह के किरदार को पहले तो विश्वास नहीं होता है और एक तरीके से वो अब इंतज़ार करना शुरू कर देती है कि रितेश पांडे का किरदार जो है वो कब वापस लौट कर आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा। रितेश पांडे का जो किरदार है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है, वो वापस उठेगा, और जब उठेगा तो चांदनी सिंह का किरदार तब तक उसका इंतज़ार कर रही होगी या फिर उसकी शादी हो गई होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, स्टोरी अच्छी है पर और भी बेहतर स्टोरी हो सकती थी अगर हम देखें भोजपुरी ऑडियंस के हिसाब से, तो ये जो भोजपुरी फिल्म है वो काफ़ी अच्छी है। पर अगर इसे हम वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखें यानी कि नेशनल लेवल के हिसाब से देखें तो इस भोजपुरी फिल्म पर और काम किया जा सकता था, जिससे कि इसकी वाहवाही हर जगह होती। बहरहाल दोस्तों, इस भोजपुरी फिल्म को आप ज़रूर देखें जब भी ये भोजपुरिया पर्दे पर लगे। यही था इस भोजपुरी फिल्म को लेकर हमारा रिव्यू, ट्रेलर को लेकर रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें भोजपुरी नाउ।